હેલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ, સત શ્રી અકાલ, કેમ છો? મજામાં છો? ઓલ ગુડ દેર? કુલ, ગ્રેટ. સર, પહેલે તો સબ સેફ રહીએ, સતર્ક રહીએ, માસ્ક લગાકર રહીએ, એન્ડ પ્લીઝ મેક ડિસ્ટન્સ એઝ મચ એઝ યુ કેન. ગુડ, અચ્છી બાત હૈ. સો દોસ્તો, સબસે પહેલે તો બતાના ચાહુંગા કે આપકો જો આજ કા હમારા ટ્યુટોરિયલ હૈ ના, વો હૈ હમારા ટિપ ટો એનિમેશન કે ઉપર. ટિપ ટો, ટિપ ટો, પતા હી હોગા આપ સબકો ટિપ ટો ક્યા હોતા હૈ, ટિપ ટો એનિમેશન. ઠીક હૈ, આજ હમ વહી સીખેંગે રેફરન્સ કી હેલ્પ સે, 3ds Max સોફ્ટવેર કે અંદર. આજ હમ વહી બનાને કી કોશિશ કરેંગે થોડી બહોત. ઠીક હૈ, તો મેં આપકો બતાને કી ચાહુંગા કી ઉસકો હમ પોઝેસ કૈસે બનાએ જાયેંગે, કોપી કૈસે કી જાયેંગે પોઝેસ, થોડા કર્વેટર, યે સબ મેં આપકો આજ બતાને કી કોશિશ કરૂંગા કે કેસે હમ ટિપટો એનિમેશન 3ds Max સોફ્ટવેર કે અંદર બતા સકતે હૈ. ઠીક હૈ, ઓર અગર આપકો મેરી વિડિયોઝ અચ્છી લગતી હો દોસ્તો, તો પ્લીઝ શેયર, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ લાઈક માય ચેનલ એઝ મચ એઝ યુ કેન. ઓકે, સો શેલ વી સ્ટાર્ટ નાઉ? લેટ્સ કમ, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ચલિયે, ચલતે હૈ બિના કિસી રુકાવટ કે. ઠીક હૈ દોસ્તો, શરૂ કરતે. પહેલે તો આપના કેરેક્ટર ઓપન કરી લીજે, જિસપે ભી આપ બનાના ચાહતે હૈ ટિપટો એનિમેશન. ઠીક હૈ, જૈસે મેરે પાસ આપકો પતા હૈ મેરા ફેવરેટ કેરેક્ટર, જિસકે અંદર બાઈપેડ લગા હુઆ હૈ. ઠીક હૈ, મેં વો યુઝ કરતા હું જ્યાદાતર. ઠીક હૈ, યે તો હમારા કેરેક્ટર હો ગયા, ઓર યે હમારી રેફરન્સ હૈ, જ્યાં તક આપ દેખ પા રહે સારે. યે રહી, દેખો, દેખ રહે હો? એક, દો, તીન, ચાર, પાંચ, છ, સાત પોઝિસ હૈ ઇસકે અંદર. તો એસે ટક 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 ટક. ઠીક હૈ, તો શરૂ કરતે હૈ દોસ્તો, ચલો લેટ સ્ટાર્ટ નાઉ. પોઝિસ હમ પહેલે બનાના શરૂ કરેંગે, પહેલે તો ઇસકી સેટિંગ કર લેતે હમ થોડી. ઠીક હૈ, ઠીક હૈ દોસ્તો, શું કર લેતે હમ 14 ફ્રેમ્સ કર લેતા હું એસે, ઓર ઇસકો કર લેતે ઓકે. એન્ડ પ્રેસ કરેગે તો આપકે એનિમેશન કા, દેખો યે ઓન હો જાયેગા, રેડ હો ગયા, નીચે દેખ રહે હો? ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, पोजेस बनाएंगे इसकी. ठीक है, यहां पे जाके पहले तो आप यहां पे सिर्फ बोन्स कर लो, मैंने बोन्स कर दी इसकी. ठीक है, बोन्स ही सिलेक्ट हो, सिलेक्ट करने के बाद सारी बोन्स पकड़नी है आपने पहले तो. यहां पे जाना है મોશન મેં જાકે ઉનકો કર દો યુલર, સૌથી પહેલે પહેલે કામ યે કરના હૈ અપને, યુલર કરના હૈ સબકો. ઠીક હૈ, ફિર ક્યા કરના હૈ, કી ઇન્ફો મેં આકે ઇન પે એક બાર સેટ કી માર દો સબ પે. ઠીક હૈ, ઓનલી બોન્સ પે, કી બાઈપેડ હૈ યે, રિક કેરેક્ટર નહીં હૈ, યે દોનો ડિફરન્ટ વર્ક કરતે થોડા. ઠીક હૈ ભાઈઓ, अब क्या करेंगे अपन, पोज बनाते हैं इसका, ये वाला. ठीक है, शुरू करते हैं. चल कैरेक्टर लो बाईपैड का, पहले उसको यूलर कर दो, ग्राफ एडिटर के लिए ही रहता है फिर काम करना. ठीक है, अब देखो अगर मैं ये देखो, मैंने सिलेक्ट करा इसका हॉरिजॉन्टल, ये पेल्विस जो नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जाना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को पकड़ के की इन्फो में आके, देखो पहला ऑप्शन आता है प्लांटेड की. प्लांटेड की इसलिए यूज होती है कि हम जब ग्राउंड के नीचे जाते हैं, जब रिक होता है वो तो नहीं जाता रिक कैरेक्टर का, जब अगर बाईपेड जो लगा होता है इसके अंदर, अगर ये ग्राउंड है इस पर अगर पैर रखा हुआ है, अगर प्लांटेड की नहीं लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा. ठीक है,
इसलिए हमें प्लांटेड की लगाने की, वो नीचे ना जा सके। तो प्लांटेड की मार लेते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट करके देखो, ये नहीं जा रहा, ठीक है, गुड। सो उसके बाद हमने पोज बना लेना है एक, ठीक है। इसको फ्री कर दो, अभी तो हवा में है। नहीं, इसको भी रहने दो ऐसे ही ना, ठीक है। लेफ्ट साइड का ना हमारा, लेफ्ट साइड का हम करेंगे, फ्री कर दो इसको कि वो हवा में रहे तो फ्री रहे, ठीक है। पूरे जो क्लियर बनाने हैं हमने सारे, वेट कर लेंगे इसका। जितना हमारी लिमिटेशन होती है ना हमारे पास बाईपैड में, तो आपको पता ही होगा इतने कंट्रोलर्स नहीं होते हमारे पास इसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से करेंगे हम। कर दो नीचे, ठीक है। और इनको एक बार पकड़ के डबल क्लिक करके, डबल क्लिक कर लेना है, और कॉपी पेस्ट में आओगे ना ये देखो मिलेगा आपको यहाँ पे। पहले तो क्रिएट कलेक्शन कर लो, कॉपी पोस्चर, और यहाँ पे मिलेगा पेस्ट पोस्ट अपोजिट। तो ये देखोगे ना, अब ये ऐसा है तो करेंगे तो ये देखो पोस्ट पूरा कॉपी हो गया हमारा सेम, बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं आई इसमें। आई कोई दिक्कत आई आपको है दोस्तों? नहीं आई ना? तो ऐसे ही हम इसको आराम से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। एक बार सेव कर लेते हैं इसको। पोज को क्लियर रखना दोस्तों, ठीक है। जितने आप क्लियर रखोगे ना पोज को, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया है फर्स्ट पोज। सेकंड फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। इसको कर देंगे पीछे,
ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं हम। जिसकी है ना रिव्यू का थोड़ा ऊपर ऐसे। ठीक है दोस्तों, भाई है ना दोस्तों, ऐसे करेंगे इसको हम अपन। इसका वेट थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसका करेंगे हल्का सा बैंड कम करेंगे। ठीक है, वैसे ही 5 पे आके इस पैर को हम कर देंगे, क्या कर देंगे नीचे, और इसको कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? पैर ठीक है, इसको कर दो अब आप फ्री, फ्री करके तो कर दो ऊपर। ठीक है, ये दोस्तों ठीक है। हाँ, हमने 5 तक कर लिया, ये हमारा था। इसको थोड़ा सा झुका दो,
ठीक है, थर्ड पोज भी हो गया। वैसे ही सेवन पे जाएंगे और फोर्थ पोज बनाएंगे। ठीक है, करो पीछे सो करो। आगे उसको पकड़ो और उसको ये नीचे आएगा और ठीक है, ऐसे ही ऊपर है ना अभी। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको ना थोड़ा ठीक है, फोर्थ के बाद हम पंथ बनाएंगे, हो गया ना जो फिफ्थ ये वाला। अब दो फ्रेम आगे तो कर दो पीछे। ठीक है, कर देंगे ऊपर ठीक है, तो कर देंगे और ऊपर ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए अगर समझ रहे हो तो। आपको अगर समझ आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये
पांच बन गया, देखो पोजी देखेंगे हम, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। बनाएंगे दो पोज और आगे, छठा पोज अपन ठीक है, ये बनाया हमने। ठीक है, बनाया हमने। ठीक है, अब बनाएंगे 14 पे। सेवेंथ वाला कर दो, सेव कर लो पहले तो। ठीक है,
अब करते हैं हम इससे आगे कहानी का इंतजाम। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। 14 है, 17 तक करके इस वाले पूरे हम जाएंगे कॉपी पेस्ट पे। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने पूरा पोज, 17 पे आके पेस्ट कर लिया। तो ये अभी ये देखो ऊपर नीचे होता है ना, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको लिंक्स डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मेरे जंप रन साइकिल मिल जाएगी आपको, जंप ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, स्टैटिक जंप मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कैसे और उनको करा मैंने, आपको हेल्प भी मिल जाएगी। इसे कॉपी करके हम 17 पे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट, देखो 17 पोज और 0 पोज सेम हो गया, कोई दिक्कत परेशानी आई इसमें? ये देखो मैं, ये देखो ये है 17, ये है 0, तो दिक्कत परेशानी है इसमें? ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर लेंगे अपने हिसाब से। ये वैल्यू आती है आपके ना की। सेम है 1.6 1.6 1.674। सेम ही वैल्यू, तो भाई कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से एक बार। कॉपी लो इसको, कंट्रोल सी सब पकड़ो और कर दो कंट्रोल वी, ये सही हो गया सेम। ये थोड़ी सी परेशानी आ रही है इसमें, ये हो जाता है कई बार ऐसे कोई। तो मैं इसको अब क्या करूँगा, डिलीट, पेस्ट। ठीक है, अब सेम हो गया बिल्कुल, ये देखो दोनों। तो कई बार आईपैड में ना सॉफ्टवेयर में भी वो आ जाता है। ठीक है, अरे कोई परेशानी घबराने वाली बात नहीं, घबराना मत इसमें। दबा दो, परस्पेक्टिव हो जाएगा जिस भी आप फ्रेम पे करना चाहते हैं। ठीक है,
अब इसमें हम असाइनमेंट करेंगे। और दोस्तों कैसा मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे भाई? बोर नहीं होने का, ठीक है? सबसे पहली बात तो बोर नहीं होने का ऐसे। ये अपना वर्क बेंच है, जब भी पकड़ोगे ना किसी भी चीज को आप इसके बाइपेड के, तो यहाँ पे देखो वर्क बेंच आता है, इस पे हमें काम करना पड़ता है। इसकी जो ग्राफ एडिटर है ना, ये देखो ये है कर्वेटर, ये देखो इसमें हमारा काम नहीं होता इसका ना, ठीक है दोस्तों? तो हमें इसके लिए वर्क बेंच दिया गया है अलग से कि हम उसको यूज कर सकें। स्मूथ करेंगे अपन इसको, तो करना स्मूथ होना चाहिए। जितना स्मूथ होएगा ना उतना ही बेटर लगेगा वो, ठीक है? दे रहा हूं एक्स वाई जी आता, देखो ऊपर ना आपका जिस भी आपको एक्सिस पे उसको मूव करना है, रोटेट करना है, जैसे भी करना है वो आप कर सकते हो यहाँ से इजीली। बच गया भी डिलीट कर सारा, एक की को डिलीट के चक्कर में बैंड बच जाती।
ठीक है दोस्तों। देखते हैं अभी इसको आगे ऑफ करके, हेल्पर्स को तो ऑफ कर ही दो सबसे पहले आप। ठीक है ठीक नॉट बैड आई थिंक सो गाइस, यू टेल मी हाउ इट लुकिंग। सो इफ लाइक दिस प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन आइकन। Okay, so you will get the nutrition as soon as possible. दस की करा तेरे ते मरा, कहन तो डरा कह लैण दे, तू मेरे जज्बात छिड़े को गल कहंदे नेड़े, बस तेरे नेड़े जिड़े रह लैण दे। है ना मस्त गाना दोस्तों। अच्छा ही हाँ अच्छा ही। नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं थोड़ा अपन। फ्रंट में आ जाओ। फ्रंट व्यू में आ गए अपन। ये पड़ेगा पैर थोड़ा नीचे, जैसे नीचे गया ना तो वो पैर ऊपर गया वाला, ये थोड़ा ऐसे। ठीक है यानी ये नीचे वहां पे जाके सेम हो जाएगा। ठीक है फिर जब ये गया ऊपर तो ऐसे फिर सेम। ठीक है देख लेते हैं इसमें ना दिख रहा होता आपको, हल्का हल्का ही देना, ज्यादा नहीं देना हमने ना वेट, हल्का सा मूवमेंट भी देके देखते हैं थोड़ी सी इसमें। चलो इसको पकड़ना हमने ना इसकी, हल्का सा ज्यादा सा नहीं बिल्कुल माइनर। ठीक है पता नहीं बिल्कुल माइनर से देना है। सिर्फ धीरे धीरे छोटी छोटी चीज डालोगे ना तो और उसमें मजा आने लग जाएगा आपको एनिमेट करने में उस कैरेक्टर को। समझ रहे हो समझ रहे हो ना, अच्छी बात है समझना चाहिए। समझ देगी तो कर रहे हैं हम काम नहीं। और आपने बाइपेड में एनिमेशन कर ली ना तो दुनिया का कोई भी कैरेक्टर लिया देखेंगे, एक तो कैरेक्टर और आसान हो जाता है बहुत। ठीक है इसमें तो हम कीज और पोजेस बनाते चले जाओ और एनिमेट करते चले जाओ। ध्यान रखना है आपको विजुलाइज करना है बॉडी को, आप खुद को विजुलाइज करो कि कैसे काम करते हो कैसे चीजें करते हो, तो आपको जल्दी समझ आएगा एनिमेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में, कैसे हम उसको लगाते हैं कैसे प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं क्या वो। ठीक है दोस्तों का शोल्डर से भी दे दो ना तो अच्छा लगेगा।
टोंग जैसे होती है ना, डिंग डोंग। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इस पे। सेव कर लो पहले सारी फाइल को भी। ठीक है, थोड़े से इसका एक्सटेंशन डाल के देखते हैं, एक्सटेंशन पे काम करेंगे अपन भी। आइस ले लो पहले, तो इसकी हम आइस लेके की मार दो। थोड़ा माउथ में करके देख लेते हैं हल्का। ये हल्का हल्का है मतलब।
स्लो फास्ट करना आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है वो। बोर तो नहीं हो रहा ना भाई? हो, बोर नहीं होने का, और कुछ भी होने का, मगर बोर नहीं होने का बिल्कुल भी हमको। ठीक है भाई, जॉगिंग भी जैसे होता है ना, ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, टॉप पे टॉप 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 ऐसे लग रहा है ना? बस विच बैठी सजी तीजी सीट ते, तवज्जो मेरा तेरी हार्ट बीट ते, मेरे गीत ने शराबी नच दे, खड़की जांदे नींदी क्लास कच दे। काका जी सलाम है तुहानू, एक नंबर दी गल नहीं करते हो यार। बस विच सजी तेन तीन ते, तेरे चेहरे उत्ते बैठी चेहरा तेरे जाने।
ट्रेन की तंग मसाला मिट दे तेरी हाँ फर्क नहीं करना मिट दे इतना चुकने से नहीं चुकते मैं तेरी हाँ तो मिट दे आ रहा है समझ दोस्तों, कोई परेशान वाली बात आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके लिख भी सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो इसे बनाने में या और भी कोई एनिमेशन में, तो आई विल ट्राई यू हेल्प एज मच एज आई कैन। ओके ऐसे ही आप प्यार देते रहिए मेरी वीडियोस को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज और इतने सारे जो आप आते हैं आपकी वजह से ही आते हैं, आपके प्यार की वजह से ही आते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस लाता जा रहा हूँ और लाता रहूँगा। कोशिश रही यही रहेगी, आप बस जितना प्यार दे सके मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं से अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आपकी हेल्प मिल सके, जिससे आपको मजा भी आए करने में। ठीक है दोस्तों, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी बोन वो सिलेक्ट होएगा फिर। ठीक है, मैक्स के अंदर थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया ना, तो सेफ भी रहिए। ठीक है, बच के रहिए, थोड़ा भी सतर्क रहिए, ज्यादा बाहर घूमने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है भाइयों, बोन्स को भी हाइड कर लो, बोन्स और हेल्थ को दोनों को हाइड करके देख लेते हैं एक बार, बड़ा करके देख लो।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय बटन, चैनल बटन, ओके, एंड शेयर एज मच एज यू कैन। बस नोटिफिकेशन आइकन जल्दी जल्दी मिलता रहेगा आप, इसलिए आप जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा आपको अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल के साथ, आता रहूंगा, आपका दोस्त होस्ट अंकुश। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अलविदा, जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अच्छे ट्यूटोरियल में। ठीक है, तब तक के लिए अरिगातो गोज़ाइमास, माता ने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा। हाँ, जाना कहीं, स्टे विद मी, सी यू सून।